नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद। नेशनलिज्म बीजेपी की डीएनए है, बीजेपी की पहचान है। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है। राष्ट्रवाद से बड़ा हिंदुत्व, ये सवाल नहीं, ये बयान है। ये बयान है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब का। वही आरएसएस जिसके संस्थापक में से एक गुलवलकर ने एक वक्त में ये लिखा था कि भारत को मजबूत बनाने के लिए महान हिटलर, जी हां, महान हिटलर जैसे राष्ट्रवाद की जरूरत है। ये गुलवलकर के ही शब्द हैं जो उन्होंने अपनी किताब वी आर वन नेशन हुड डिफाइंड में लिखे। लेकिन आज उसी आरएसएस के प्रमुख जब ये कहते नजर आते हैं कि राष्ट्रवाद हिटलर का आभास कराता है, इसलिए राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सवाल बनता है बीजेपी से जो राष्ट्रवाद की बात पर सियासत करती है, और सवाल उन इतिहासकारों से बनता है जो राष्ट्रवाद को अलग अलग चश्मों से देखते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज के दिन की सबसे बड़ी बहस, तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। नेशनलिज्म मत कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद। भागवत के इसी बयान के साथ ही राष्ट्रवाद को लेकर एक बार फिर बहस गर्म हो गई है। रांची के एक प्रोग्राम में मोहन भागवत राष्ट्रवाद को लेकर बयान देते नजर आए। भागवत का दावा है कि राष्ट्रवाद का अर्थ हिटलर और फांसीवाद से जाकर जुड़ता है। साथ ही दावा किया कि एक राष्ट्र का बड़ा होना खतरे की घंटी की तरह है। आप नेशन कहेंगे चलेगा, नेशनल कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी कहेंगे चलेगा, नेशनलिज्म मत कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद। भारत को परम वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु देश बनाना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। दुनिया में कई देश बड़े बने और पतित हो गए, आज भी बड़े देश हैं जिनको आज का शब्द है महाशक्ति। सारी दुनिया पर अपना ही रंग चढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये सब चलता आया है, चल रहा है, और इसलिए दुनिया में एक बहुत बड़े भूभाग में विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्र बड़ा होना दुनिया के लिए खतरनाक बात है। मोहन भागवत के इस बयान ने विचारधाराओं को लड़ाई में एक नया मोड़ दे दिया। लगातार राष्ट्रवाद के पाद पर राजनीति करने वाली और 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता के शिखर पर पहुंची बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी के सबसे करीबी साथी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दोनों की विचारधाराओं में बदलाव हो रहा है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म बीजेपी की डीएनए है, बीजेपी की पहचान है। चुनाव हो चुनाव नहीं हो, बीजेपी यानी राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद यानी बीजेपी है। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है। राष्ट्रवाद पर बीजेपी की सोच और उसके बाद भागवत के इशारे ने विपक्ष को सियासत करने का मौका भी दे दिया। भागवत के बयान के बहाने विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को सवालों के कटघरे में घेरना शुरू कर दिया है। देश में चर्चा हो रही थी कि मोदी जी हिटलर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, भागवत जी के बयान ने उस पर मोहर लगा दी कि मोदी जी पूरी तरह से हिटलर जिस तरह से काम कर रहा था उसी दिशा में मोदी जी जा रहे हैं। हमें लगता है अब उनका कामकाज पर आरएसएस को भी आपत्ति है, इनके बयान से ये सिद्ध हो गया। बट ये नेशनलिज्म इज्म मत बोलो, ये मत बोलो, कभी कभी गलती से सेक्युलरिज्म ऐसे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ सजेशन, बट आई थिंक दे शुड टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म एंड इंक्लूसिविज्म, दीज आर द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट। साफ है कि भागवत के बयान के साथ ही सियासी घमासान पूरे शबाब पर है।
राष्ट्रवाद पर भागवत के बयान के साथ अब आरएसएस और बीजेपी की विचारधाराएं एक दूसरे के उलट जा रही हैं। इस बीच विपक्ष बीजेपी भागवत के बयान के सहारे बीजेपी पर निशाने साध रहा है। इस सबके बीच सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच अब विचारधारा को लेकर विवाद हो गया है और आज की चर्चा इसी सवाल पर। तो राष्ट्रवाद से बड़ा हिंदुत्व, यह आज की चर्चा का मुद्दा। लेकिन उससे पहले हमारे सवाल, R9 टीवी के सवाल, क्या बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा अलग अलग है? क्या आरएसएस की विचारधारा में अब बदलाव होने जा रहा है? यह राष्ट्रवाद को हिटलर से जोड़ना कितना सही है? तो राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी पर विपक्ष के आरोप कितने जायज हैं, यह भी समझेंगे। तो राष्ट्रवाद से बड़ा हिंदुत्व, अब दरअसल थोड़ा सा शिफ्टिंग हो रही है। अब यह शिफ्टिंग क्यों हो रही है, इसी पर अब चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका तारुफ आपसे करवा दें। अनिल गोयल साहब, नेता बीजेपी के, एचएस रावत साहब, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अमलेंदु उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, दीपक शंखधर, संघ विचारक हैं, इनकी भी खासी जरूरत होगी, और रमेश मोहन श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी से नेता हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत क्योंकि संघ की ओर से यह बयान आया है, तो फिर संघ विचारक दीपक शंखधर से ही कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दीपक शंखधर साहब, ये बताइए दरअसल कि इससे पहले चुनावों में शाहीन बाग का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उछला और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि वो जायज नहीं था मुद्दा, नहीं लेना चाहिए था मुद्दा, और अब राष्ट्रवाद पर आरएसएस पूरी तरह से अगर यू टर्न लेगी तो मान लिया जाए कि अब शिफ्टिंग हो रही है आइडियोलॉजी में पूरी तरीके से, राष्ट्रवाद को दरकिनार किया जाएगा, क्या समझा जाए? कुलदीप जी, राष्ट्रवाद जो है इतनी बहुआयामी और इतनी विटाल अवधारणा है कि इसको समझने के लिए हमें वास्तविकता में अपनी सोच को भी वृहद करना होगा, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रवाद भी है और एक तरफ हमारा मूल सिद्धांत भी है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संत निरामया, एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा भी है। हमें राष्ट्रवाद को इन सबके साथ जोड़ करके चलना होगा और जब हम इन सबको जोड़ करके चलेंगे तब तो ही आप, हमारा आप तो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद बहुआयामी है, उधर मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि ये हिटलर से जुड़ता है, ये फासीवाद से जुड़ता है, ये नाज़ीवाद से जुड़ता है। जब हम राष्ट्रवाद को इस प्रकार जोड़ें कि जैसे उपनिवेशवाद बढ़ा था तब वो नाज़ीवाद भी होता है, तब वो फांसीवाद भी होता है, लेकिन जब हम राष्ट्रवाद को लोगों के कल्याण से जोड़ते हैं, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर करते हैं, तो राष्ट्रवाद जो है बड़ा सकारात्मक उसका दृष्टिकोण होता है। नहीं तो ये बातें तो नहीं कही, ये बातें तो भागवत साहब ने नहीं कही। आप सुनिए, उन्होंने कहा कि एक विश्व के संबंध से यदि हम बात करें, पूरे विश्व के दृष्टिकोण को यदि देखते हुए हम बात करें, तो यदि एक राष्ट्र बड़ा हो जाएगा, एक राष्ट्र यदि बड़ा हो जाएगा, ये देखिए ये बहुत विटाल अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, कि अगर सारे विश्व के संबंध में यदि हम बात करें और उसमें एक राज्य प्रभावशाली हो जाए या एक राष्ट्र प्रभावशाली हो जाए तो वे और देशों के लिए खतरा होगा। जैसे आज देखिए पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, कभी भी आंख दिखा देते हैं, ऐसा प्रयास किया जाता है। आज हमारा साउथ कोरिया भी है, कभी भी न्यूक्लियर और हाइड्रोजन वाले बम्बों का प्रयोग कर लेता है नॉर्थ कोरिया। तो जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, जब हम अपने राष्ट्र के विस्तारीकरण के जब दृष्टिकोण से देखते हैं, तब राष्ट्रवाद को फांसीवाद भी कहा जा सकता है। लेकिन जब हम जन नीतियों के विषय में करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, सारे विश्व में शांति की बात करते हैं, तो वो राष्ट्रवाद बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण। ये मैसेज तो लगता नहीं कि झारखंड से निकलकर सामने आया। अनिल गोयल साहब, आप ये बताइए कि आपकी पेरेंट संस्था, आप जिन आइडियोलॉजी पर विचार करते हैं और उनके सहारे अपनी नैया पार करवाना चाहते हैं, उस आइडियोलॉजी पर तो अब खुद भागवत साहब यू टर्न लेना चाहते हैं, कैसे पार होगी आपकी नैया? कुलदीप जी, इसको बड़े नजरिए से देखना चाहिए। बिल्कुल बड़ा स्पष्ट दीपक जी ने कहा है कि आज हम कुछ देशों को देखें तो कुछ देश अपनी ही चलाने के लिए कि पूरे विश्व पे हमारी चले और पूरे विश्व पे हमारा कंट्रोल हो और हम ही उसको चलाएं,
वो कहीं ना कहीं गलत है। जैसे हिंदुत्व है वो सबको साथ लेके चलना है, सब किसी को छिक्का हक नहीं मारना, वहां पर कहीं ना कहीं हक मारने की बात भी होती है, वहां कहीं ना कहीं अपने नफे नुकसान की बात भी मुझे होती ये बताइए कि वो इंग्लैंड जाते हैं और एक वाक्य से उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदल कर रह जाती है, मैसेज क्या जाएगा संघ के वॉलंटियर्स में, क्या मैसेज जाएगा कुलदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा? नहीं कुलदीप जी, मैसेज बिल्कुल ठीक जाएगा और विषय को समझने की आवश्यकता है, विषय को संकीर्ण भावना से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ का अनर्थ निकलेगा। आप पूरे विश्व को देखो कि कुछ देश ऐसे हैं जो पूरे संसार पर अपना कब्जा चाहते हैं, चाहे वो लड़ाई के जगह चाहे कुछ भी परिस्थिति होने पड़े, हमारी बात चले, हमारी नीति चले, हमारे हिसाब से बाकी सरकारें चले, जबकि हिंदुत्व तो ये बात कहता है कि सबको साथ लेकर के चलना है, सबको उसका उदारवादी, मतलब उदारवादी हिंदुत्व की बात कह सकते हैं। अमलेंदु उपाध्याय उदारवादी, वो इंग्लैंड जाते हैं और वहां का वो जिक्र करते हैं, वो ये कहते हैं कि नेशनलिटी चल सकती है, नेशन आप कह लीजिए, नेशनलिज्म ना कहिए, राष्ट्रवाद का नाम ना लीजिए, क्योंकि ये सीधा हिटलर से जुड़ता है, ये सीधा हिटलर से जुड़ता है, तो क्या दिक्कत क्या है? गोवलकर साहब भी तो ये कहते थे कि वो हिटलर की विचारधारा से प्रभावित है, उसी तरीके से आगे वो बढ़ना चाहते हैं। देखिए निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, गोवलकर साहब उसी लाइन पे चलना चाहते थे कि जिस लाइन पे हिटलर था, और उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा भी की कई बार, और आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई के दौरान इसीलिए आरएसएस जो था वो उस स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा, क्योंकि वो एक भारतीय राष्ट्रवाद उभर रहा था जिससे आरएसएस की विचारधारा मिल नहीं आती थी, और बीएस मुंजे साहब जो थे वो जाकर के हिटलर से मिले भी थे आरएसएस की स्थापना से पहले, तो कहीं ना कहीं मतलब जो प्रेरणा मिलती थी आरएसएस के राष्ट्रवाद को जिसे कहा जाता था वो कहीं ना कहीं आती हिटलर से थी, लेकिन राष्ट्रवाद जो है केवल हिटलर का ही नहीं है, वो हिटलर का भी एक राष्ट्रवाद है, जिस तरीके से कि हिंदू राष्ट्रवाद है, कि इस्लामिक राष्ट्रवाद है, उस तरीके से हिटलर का भी राष्ट्रवाद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, अपनी अपनी सोच की राष्ट्रवाद हैं, एक भारत का भी राष्ट्रवाद है जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान निकल करके आया था, वो राष्ट्रवाद अलग है, तो लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो उसको कहती रही थी, असल में समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और आरएसएस अपने को राजनीतिक दल कहता नहीं है, हालांकि करता वो राजनीति ही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस मेरे को ये बताइए कि चलती है राष्ट्रवाद की एक साधारण सी परिभाषा आपको देता हूं। राष्ट्रवाद एक ऐसा विषय है जिसकी व्याख्या सदियों से अलग अलग रूप से होती रही है। अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर हेंसकॉन कहते हैं एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां हर शख्स राष्ट्र के प्रति समर्पण को अपना सबसे बड़ा दायित्व मानता है वही राष्ट्रवाद है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। राष्ट्रवाद की एक और परिभाषा है लोगों की सामूहिक आस्था, यानी राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म लोगों की सामूहिक आस्था का नाम है जिसके तहत खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट माना जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें हिटलर बीच में कहां से आता है? नहीं, नहीं, और हिटलर क्यों आता है बीच में? फासीवाद, नाजीवाद बीच में क्यों आता है? मुझे ये समझाइए। नहीं, नहीं, इसलिए आता है कि जब राष्ट्रवाद का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तब वो हिटलर का फासीवाद बनता है, है ना? और देखिए 14वीं शताब्दी में हमें मुड़ने की जरूरत क्यों है? हमें मुड़ने की जरूरत क्या है? एच रावत साहब आप बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद अति हो जाता है तो फिर वो हिटलर की विचारधारा पकड़ लेता है, तो क्या अब राष्ट्रवाद से जो यूटर्न लिया जा रहा है, हिटलर की विचारधारा को कहीं फॉलो किया जा रहा था, उसका नुकसान होने लगा था, अब यूटर्न लेना पड़ रहा है? कुलदीप जी, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी का बौद्धिक स्तर बहुत बड़ा होता है। हमारा वेद के दोनों शब्द हैं, राष्ट्रवाद भी हमने हमारे वेद का शब्द है, और जैसे हमारे बगल में संघ के प्रचारक साहब बैठे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये भी वेद का शब्द है, लेकिन इनके समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हिंदुत्व है, राष्ट्र है तो सारी चीजें, और राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भागवत जी ने कहा है, पता नहीं किस परिस्थितियों में ये शब्द उन्होंने कह दिया है कि भाई राष्ट्रवाद से पहले हिंदुत्व है, मुझे नहीं लगता वेद हमारा ऐसा नहीं बोलता है। इसलिए राष्ट्रवाद को मजबूती के साथ देश की रक्षा करना, आज देखिए जापान बर्बाद हो गया था,
और उन्होंने उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की एक भावना थी तो आज उभर करके पटल पे आ गया। और आज चीन के अंदर भी वही राष्ट्रवाद भरा हुआ कूट कूट करके और हमारे नेताओं के अंदर धर्म निरपेक्षता भरी हुई है। हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम बटे हुए हैं, एकता नहीं है। अगर एकता हो जाए तो मुझे लगता है ये राष्ट्रवाद हिटलर वाला नहीं होगा, ये राष्ट्रवाद ये महाराज भरत वाला होगा, शांतनु वाला होगा, ये पांडु वाला होगा, राजा दशरथ वाला राष्ट्रवाद हो जाएगा कि देश के अंदर अमन चैन भी रहे और हम सब एक साथ रहें। इसलिए मैं पहले यही कहना चाहूंगा, राष्ट्रवाद सबसे पहले है, चाहे भारतीय जनता पार्टी बोले चाहे कोई दूसरी ब्रांच बोले। और भागवत जी ने जो कहा है पहले बाद में, पहले हिंदुत्व बाद में राष्ट्रवाद, मैं इस बात का उनको समर्थन नहीं। हरीश भारद्वाज जी हमारे साथ अभी भी जुड़े पैनल में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरीश भारद्वाज जी, अब ये बताइए कि दरअसल राष्ट्रवाद को लेकर बहुत कुछ सियासत चली, कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती भी, लेकिन अब संघ विचारक संघ के कार्यकर्ता या यूं कहे कि कर्ता धर्ता मोहन भागवत साहब का ये कहना है कि राष्ट्रवाद जो है वो हिटलर से जोड़ता है। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि दरअसल वो लंदन पहुंचे थे या इंग्लैंड गए थे, वहां पर जाकर उन्हें पता लगा कि नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद जो है, वो सीधे हिटलर की ओर इशारा करता है। हो सकता है अंग्रेजों की मानसिकता वैसी हो, क्योंकि हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, अलाइड फोर्सेस अलग थी और दूसरी जर्मन की फोर्सेस अलग थी, उनके सहयोगी अलग थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ नेशनलिज्म जो है वहां पर नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, वही आकर भागवत साहब ने यहां पर उस दिया। आप किस नजरिए से देखिए कुलदीप जी, दरअसल क्या है कि मैं आपको एक और संवेदना के साथ कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब इंसान जब पैदा होता है तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर नेचुरल होती हैं। जैसे व्यक्ति पैदा हुआ तो माँ के प्रति स्नेह उसका एक नेचुरल है, वो होना ही होना है। उसी प्रकार से इस देश के, किसी भी देश के अंदर जब नागरिक पैदा होता है तो उसका देश के प्रति एक नेचुरल प्रेम और वाद पैदा होता ही होता है। भगवत जी कहते हैं कि हर कोई हिंदू पैदा होता है, देखिए हर कोई हिंदू पैदा होता है, धर्म तो उसके बाद में, मजहब तो बाद में पड़ता है। मैं आपको उन्हीं तथ्यों पर आना चाहता हूँ। अब क्या है, एक शब्द है राष्ट्रवाद और एक है अतिराष्ट्रवाद। तो जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना है वो बहुत अच्छी है। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोग उससे राष्ट्र बनता है। और जब राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि राष्ट्र के अंदर जो आने वाली लोगों को समस्याएं हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको साझा एकीकृत करके आप इस देश की समस्याओं को दूर करो। अब एक शब्द आता है अतिराष्ट्रवाद। अतिराष्ट्रवाद जब जहां आ जाता है तो उस राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि मैं किसी को दबाऊंगा, अपने देश के ही राष्ट्र के लोगों को दबाऊंगा और दबा करके अपने राष्ट्रवाद को मैं वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करूंगा। मतलब अपनी अपनी भूमिका में ज्यादा प्रस्तुत करूंगा और दूसरे की भूमिका को कम तराहूंगा। तो प्रश्न यह है कि क्या कहीं हम अति राष्ट्रवाद की ओर तो नहीं जा रहे? वो राष्ट्रवाद जो कि हमको कमजोर करेगा वो अति राष्ट्रवाद था, जो हिटलर का अति राष्ट्रवाद था। राष्ट्र का मतलब राष्ट्र में रहने वाले लोग। वो हिटलर ने क्या किया था कि उसके जो एक कम्युनिटी थी उसको तो वो मजबूत करता रहा, उसको राष्ट्रवाद की वो दिखाता रहा सब जुबाग, लेकिन जो उसका राष्ट्रवाद दूसरे की घृणा पर निर्भर था। अनिल गोयल जी, अब इन्होंने इसकी परिभाषा गढ़ दी कि दरअसल क्या कहना चाहते थे भागवत साहब, वो ये कहना चाहते कि राष्ट्रवाद से हटकर अति राष्ट्रवाद, जिसका नाम हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व पर पहुंचना है, एजेंडा है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रवाद की परिभाषा को अति राष्ट्रवाद में न ले जाए। आप कुछ कम्युनिस्ट को मसलना चाहते, देश का राष्ट्रवादी नहीं है और कुछ मेजोरिटी राष्ट्रवादी है, आप राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेट कर हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते, ये आरोप है हरीश भारद्वाज का। कुलदीप जी, हरीश जी तो कहने के लिए स्वतंत्र हैं, जो कहें, इनकी अपनी मन की बात है, इनकी अपनी विचारधारा है। इतिहास गवाह है। अरे सर, इतिहास गवाह है। सब जर्मनी का ले लिया, दुनिया के सारे, हरीश जी आप सुन तो लें, सद्दाम हुसैन का भी राष्ट्रवाद था। हरीश जी सुन तो लें, जितने भी देश के, हरीश जी सुन तो लें, आज तक आताताई हुए हैं, हरीश जी वो सब राष्ट्रवादी थे। हरीश जी सुन तो लें, कोई राष्ट्रवादी नहीं था, कोई राष्ट्रवादी कोई नहीं होता। हरीश जी, हरीश जी, हरीश जी, आप वो साम्राज्यवादी, आप हरीश जी सुनना नहीं चाहते, आप अगर कोई बात सुनना नहीं चाहते, ये बात सबसे बड़ी समस्या। हरीश जी, हरीश जी वो विषय नहीं जो विषय आप कहना चाह रहे हो। राष्ट्रवाद कोई शब्द नहीं है डिक्शनरी में, साम्राज्यवाद है। तो इसलिए हिटलर की जो सोच थी वो साम्राज्यवादी सोच थी कि भाई उसको पूरे फैलाना था, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सोच थी। इसलिए उन्होंने भी तो राष्ट्रवाद की चाशनी ही पिलाई थी, जो साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और अतिराष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की चाशनी से ही खड़ा किया था। उन्होंने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से घृणा से दिखवाया, यानी बहुत फैलाने की सोच रखता है, अपनी सीमाओं को फैलाने की सोच रखता है, वहां साम्राज्य फैलता। तो हिटलर साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था, राष्ट्रवाद की बात उसकी अपने देश तक सीमित थी। लेकिन रावत साहब, उसने अपनी सोच जो प्रस्तुत की थी वो राष्ट्रवाद के ही आधार पर। हम बात उसी पे आ रहे हैं, भागवत जी
जी ने कहा कि भाई राष्ट्रवाद गलत है या कुछ भी जो उन्होंने बोला है, मैं उस बात से इसलिए सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। वो भी बहुत बड़े बौद्धिक आदमी है। एचएस रावत साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उनमें जो नेशनलिज्म का फैक्टर है, खासतौर पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और एडोल्फ हिटलर ने जिस तरीके से राष्ट्रवाद को गढ़ा, वो उन्हें चुभता है? और जब भारत में इस तरीके की बात होती है तो ऐसा लगता है कि वाकई उस तरीके की राह पर चलने को आगे बढ़ना चाहती है भारत की सरकार या भारत का जो साम्राज्य, इस तरीके से सोचते हैं कि भारत के नहीं, उसके भारत के मैं बताऊं, कोई भी राष्ट्रवाद अपने देश के जो व्यक्ति होते हैं, अपनी जो सेना होती है, उसको कहीं ना कहीं एकत्र करने के लिए, उसके अंदर भक्ति कूटने के लिए वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि उनमें एक भावना आ जाए और अटैकिंग नेचर उनकी बन जाए और हम साम्राज्यवादी सोच। जबकि हिटलर को अगर देखा जाए तो वो तो उनका फ्रांस के साथ पहले से ही चल रहा था। हरीश भारद्वाज जी तो कह रहे हैं कि अपने ही देश में अंदर किसी कम्युनिटी को मसलने के लिए अति राष्ट्रवाद उभर रहा है, साम्राज्यवाद आ जाता है कि भाई मैं अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं उसको फैला रहा हूं, एक तरफ दूसरे को चल रहा हूं, वो साम्राज्यवादी नहीं, अपने ही देश में राष्ट्रवाद, अपने ही देश में किसी कम्युनिटी को नीचे गिराना, ये कितना सत्य राष्ट्रवाद। कुलदीप जी, राष्ट्रवाद ये होता है कि पूरे देश का हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित हो, वो राष्ट्रवाद है, और उस राष्ट्रवाद के अंदर अगर हम आगे अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं, वो साम्राज्यवाद है, दोनों में फर्क है। अच्छा, ठीक है, रमेश मोहन श्रीवास्तव साहब, आप बताइए कि आप क्या, आपको लगता है कि धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है अपनी आइडियोलॉजी में, और वो करने की जरूरत भी आन पड़ी है, क्योंकि अब जो ये जो सारे हथियार अपनाने थे अपना चुके हैं। शाहीन बाग पर अमित शाह ने यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा कि हमारा ये जो निशाना था वो ठीक नहीं बैठा, उसके बाद अब ये बात सामने आती है। आपको क्या लगता है, अब क्या स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की, क्या दोनों की सोच मुख्तलिफ हो रही है या फिर ये एक स्ट्रेटेजी है अब हिंदुत्व को आगे बढ़ावा देने की एक सियासत? यही मुद्दा आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। भागवत जी का विशुद्ध रूप से राजनीतिक बयान है, जो गोलवलकर साहब की किताब थी बंच ऑफ थॉट्स, और आडवाणी जी मियन कांप के बड़े प्रशंसक थे जो हिटलर की जीवनी है, ये भाजपा उसको, आरएसएस उसको आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, गोलवलकर जी के मार्ग से भटकने वाले नहीं है। ये आरएसएस की एक नई पॉलिटिकल लाइन है। अभी आपने जो पैकेज में दिखाया, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि जी इसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। नहीं, राष्ट्रवाद से हिंदुत्व अलग है, वही वो उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। अब इन्होंने देखा कि जो राष्ट्रवाद 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 हम कर रहे हैं, इसका दूसरा पहलू क्या हो रहा था कि जो हमसे जरा भी सवाल पूछ रहा था हम उसे देशद्रोही घोषित कर देते थे, पाकिस्तान भेज देते थे, अब वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है चुनाव दर चुनाव, तो अब वो इस शब्द से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और हिंदुत्व को आगे लाना चाहते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता बड़ी चतुराई से कह गए हिंदुत्व समावेशी है। अब देखिए, अभी जो रेणुका चौधरी ने कहा ना, कभी सेक्युलरिज्म भी कह ले, कभी इंक्लूसिविटी भी कर ले, कभी सबको शामिल भी कर ले, अब भाजपा को एक नई राजनीतिक लाइन दी जा रही है, करे भाई सभी लोग तो शामिल हो जाओ। बड़ा इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ कल आया, प्रधानमंत्री जब हुनर हाट में गए, उन्होंने कई मुसलमानों के साथ अपनी फोटो खिंचवाई बड़े प्रेम से, और ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री कार्यालय बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के फोटो पोस्ट नहीं करता। अब इनको समझ में आ गया है कि हम इस एक्सक्लूसिव राष्ट्रवाद से कहीं नहीं पहुंच सकते, बल्कि धीरे धीरे सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो अब आरएसएस इनको एक नई गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहा है। अनिल गोयल जी, अब तो समझाना पड़ेगा आपको कि वाकई ये सारी बातें जिन पर आप सियासी सफर तय करते आ रहे थे, ये काउंटर प्रोडक्टिव हुई। कुलदीप जी, सही बात यह है कि हमारे रमेश जी ने और हमारे हरीश जी ने जो दोनों बात कही है, अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से उन्होंने अपने हमें परोसने की कोशिश करी है। अब इनकी अपनी सोच है कि भाई एक एक देश के अंदर एक समाज को आगे बढ़ाना, एक समाज को पीछे धकेलना, ये भाजपा की नीति नहीं है। भाजपा की नीति है सबको साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और ये एक बात, इस बात से जाहिर होता है कि भाजपा ने अगर 10% आरक्षण दिया तो किसी धर्म के नाम पर, किसी समाज के नाम पर नहीं दिया। हर हिंदुस्तान का कोई भी गरीब है वो किसी भी धर्म का मानने वाला है। ये अपने हिसाब से चीजों, रमेश जी, रमेश जी प्लीज, रमेश जी प्लीज, रमेश जी प्लीज, रमेश जी आप बोले, आप रमेश जी जवाब बोल रहे थे, रमेश जी जवाब बोल रहे थे, रमेश जी जवाब बोल रहे थे, आपको किसी ने रोका क्या?
आपको किसी ने रोका क्या? आपको किसी ने रोका क्या? आपके विधायक आपको रोका किसने है? आपको रोका किसने है? अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे आपके विधायक, आपके विधायक, अरे सर आपके विधायक, आपके विधायक को अभी एफआईआर दर्ज है। आपके विधायक को महिलाओं पर एफआईआर दर्ज है। आपके विधायक ऊपर, आपके विधायक ऊपर एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज है आपके विधायक ऊपर। आपके विधायक को महिलाओं को छेड़ने के लिए एफआईआर दर्ज है। आपके विधायक पड़ेगी, आपके नारा है बेकार का, फर्जी हिंदुत्व का। ये अब इनके लिए काउंटर हो रहा है। अब ये लाइन बदलने पे मजबूर हो गए। इसलिए लाइन बदलनी चाहिए। आपको भाषण मत झाड़िए, फैक्ट्स पे जवाब दीजिए। लाइन बदली क्यों? आप कुलदीप जी, बुद्धिजीवी आदमी को बुद्धिजीवी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम आम में सब नंगे हैं। अब सिंघवी साहब को देखो, दिग्विजय सिंह को देखो, तिवारी को देखो, ये क्या कहीं मतलब आप भी वही करेंगे? कहां से आए थे ये लोग? मतलब आप भी वही करेंगे? अच्छा, गलती दूसरी गलती को जानो। कमाल हो गया आप। ये बताइए कि भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, सबको करंट लगता है, भले ही राष्ट्रवाद की उसकी मंशा क्या हो, लेकिन उधर दूसरे मंचों से, विपक्ष की ओर से बहुत से बयान आते। आज ताजा बयान जो वारिस पठान है, उनका यह कहना है कि 15 करोड़ लोग जो है वो 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। उन पर आपकी नजर नहीं जाती। सर मुझे ये बताइए कि जब उसी वारिस पठान ने बोला था कि 15 मिनट दे दो हिंदुओं को साफ कर देंगे, गिरफ्तार किया गया चलाया गया उसके ऊपर? अरे भैया क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया? तुम जैसे लोग आगे आ जाते हो सही मायनों में? नहीं, हम क्यों जैसे लोग आ जाते हो? तुम जैसे लोग ही जेनी वाले की वक्त गिरफ्तार कर लेते हो। जेनी से आप टाइम गिरफ्तार से लोग, तुम जैसे लोग, लेकिन नहीं दीपक शंकर, उसको जेल में रख के दीपक शंकर वोट बैंक की पॉलिसी दीपक शंकर पूरी तरीके से हम क्यों कर रहे हैं? वोट बैंक की दीपक शंकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका एजेंडा अपनी बात रखते रहिए। कुलदीप जी मैं आपको बताऊं कि अभी हरीश भारद्वाज जी कह रहे थे कि अति राष्ट्रवाद, हमारे रावत जी ने बड़ा उसको सही स्पष्टकरण कर दिया। ये पता नहीं राहुल गांधी की कौन सी डिक्शनरी में से अति राष्ट्रवाद का शब्द लेकर के आए हैं। वास्तविकता में वो साम्राज्यवाद वर्सेस जब इंग्लैंड का जाना हुआ, आप समझिए इंग्लैंड की जो नीतियां रही हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, इंग्लैंड की जो नीतियां रही हैं वो साम्राज्यवादी नीतियां रही हैं। और जब आप उस तरीके का साम्राज्यवाद देखते हैं, केवल अपना हित, अच्छा साम्राज्यवाद प्लस निजीकरण, दोनों में ऐसा कि अपना हित साध लो, दोनों ऐसा कि अपना हित साध लो हर तरीके से। तो जब अपना हित साधने की केवल बात हो और विश्व की कोई बात ना हो, मानवता की कल्याण की कोई बात ना हो, अरे हम हिंदू लोग हैं, हम मानवता के कल्याण करने वाले बात हैं। और जो लोग हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 130 करोड़ हिंदू होने की हम बात करते हैं इस हिंदुस्तान में। जब हम 130 करोड़ हिंदू होने की बात इस हिंदुस्तान में करते हैं, तब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु है और रहेगा। हमें तो अपने, हमें अपने तो भारत को विश्व गुरु बनने की ओर लेके जाना है। खामी क्या नजर आने लगी मुझे? ये केवल आप सुनिए जी, ये केवल ये जो साम्राज्यवादी सोच के ऊपर ये टिप्पणी है कि ये नाजीवाद है, फांसीवाद है, ये केवल भारत नहीं, इतना बड़ा संगठन जब संदेश देता है, जब मानवता के लिए संदेश दिया जाता है, वो किसी एक देश के लिए नहीं होता है या वो एक धर्म विशेष के लिए नहीं होता है, वो संपूर्ण विश्व के लिए होता है। अरे हम वसुधैव कुटुंबकम, सारे वसुधा को अपना परिवार मानने वाले लोग जब कोई संदेश देते हैं तो अपने संपूर्ण परिवार को संदेश देते हैं। हम अखंड भारत को संदेश देते हैं। हम खंड खंड वाले भारत वाले लोग नहीं हैं। हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात करने वाले लोग हैं, पर मानवता को सर्वोपरि रखने वाले लोग हैं। इसलिए जो हिंदू, हमारा हिंदुत्व तो जो हमारे जीवन जीने की शैली है, आप मेरे को ये बताइए, ये कोई राजनीतिक शैली नहीं है। राष्ट्रवाद पर जो भी टिप्पणी की है, मैं आम आदमी पार्टी के ये जो नेता बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, ये अति हिंदुत्ववाद बढ़ रहा था, अति हिंदुत्ववाद कोई चीज नहीं होता।
हरीश भारद्वाज जी, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था या फिर अति हिंदुत्व? हिंदुत्ववाद कुलदीप जी, दरअसल क्या है कि राष्ट्रवाद शब्द बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति भक्ति होना अनिवार्य है और वो होती भी है, ऐसा नहीं है नहीं भी होती, और जो राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति नहीं रखता है तो मेरे हिसाब से वो देश का एक वफादार नागरिक नहीं है। लेकिन अगर किसी राष्ट्रवाद को वोटवाद में तब्दील कर दिया जाए और सत्ता को प्राप्त करने का हथियार बना लिया जाए और तो वो अति राष्ट्रवाद की ओर बदलना शुरू हो जाता है और वो अति राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की ओर लेकर जाता है। भारद्वाज जी, यही आपातकाल में तुष्टीकरण की नीतियां चल रही थी और मैं समझता हूं कि आपातकाल में सबसे अच्छे तरीके से राष्ट्रवाद को वोट बैंक बनाया गया था, बनाया गया था या नहीं, उस पर आप माफी कब मांगेंगे मुझे बताइए कि आपातकाल में जब राष्ट्रवाद को वोट बैंक की राजनीति बताया जा रहा था। अभी राष्ट्रवाद पे चर्चा हो रही है, आपातकाल पे आप बैठ लीजिएगा, आप मैं आपका संघ का इतिहास 1931 से सारा आपको दिखा दूंगा। शर्जील इमाम पे, छोड़िए शर्जील इमाम को, उस चिकन नेक वाले बयान पर क्यों नहीं बोलते? आप राष्ट्रवाद की बात करिए, शर्जील इमाम की बात तोड़ने वाले, भारत के टुकड़े होने वाले बयान पे आप लोग क्यों नहीं बोलते? उस पे क्यों खामोश हो जाते हो? हां सब आपके कहने से ही बोलेंगे, हमारी बात के साथ क्यों खड़े हो जाते हो? आप हमें राष्ट्रवाद कैसे दे, तो हम आपके साथ से बात बोलेंगे? तोड़ना चाहते हैं क्या दीपक जी? यही राष्ट्रवाद की वोट बैंक की राजनीति आप लोग करना चाहते हैं क्या? हरीश भारद्वाज जी, मेरा आपसे सवाल ये हरीश भारद्वाज जी, सवाल ये कि वारिस पठान कहते हैं कि 15 करोड़ लोग भारी पड़ेंगे 100 करोड़ पर, आमिर खान के बीच में पीके आती है, हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाया जाता है, ऐसा उन पर आरोप लगा, आप कुछ नहीं कहते। जावेद हबीब साहब हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण उन्होंने किया, उस पर कभी सवाल आपने नहीं उठाए। अकबरुद्दीन, भगवान राम और मां सीता के लिए जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश करते हैं, आपकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकलता। इसके अलावा शबाना आजमी भी नवरात्रि पर अल्लाह से दुआ करती हूं कि लक्ष्मी को भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, दुर्गा की भ्रूण हत्या ना हो, पार्वती की दहेज मांगने ना पड़े, सरस्वती अनपढ़ ना रह जाए, ऐसी बहुत सी बातें आती हैं। आप मेरे को ये बताइए कि आप तब जुबान क्यों नहीं खोलते? अब आपको क्या लगता है ये अति हिंदुत्ववाद है और इतने सारे जो बातें करते हैं लोग और आखिरकार में बलि कौन चढ़ जाता है? कमलेश तिवारी, उसका सर कलम कर दिया जाता है राष्ट्रवाद के नाम पर। भारद्वाज जी, आपसे मेरा सवाल, सेक्युलरिज्म की हत्या की है कांग्रेस ने। भारद्वाज जी, कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रवाद की कोई बात करें उसकी मंशा कुछ भी है, इस देश के बहुसंख्यकों की मंशा कुछ भी है, लेकिन वो राष्ट्रवाद की बात करो के मन को ठेस पहुंचाने का काम किया है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, जो देश के अंदर आपने बहुत सारे दर 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 बहुत सारे आपने उदाहरण गिना दिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 6 साल से सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं वारिस पठान के साथ, के साथ इन लोगों की मिली भगत है, ये देश के अंदर लोगों को देखिए, सुनिए, अंग्रेज जब देश के अंदर आए थे यार, इन आदमी को बंद करो, दीपक ये सुनने को तैयार नहीं है, किसी की बात की बात होती है, इन्हीं को बोलने दीजिए, फिर मैं बोलूंगा नहीं। राष्ट्र की नीतियाँ, ये जो लोक कल्याण की नीतियाँ हैं, ये जन जन तक पहुँचती है, यहाँ राजनीति नहीं हुई है, यहाँ जो बटा वो समाजवाद के आधार पर बटा, सबको बराबर बटा, किसी हिंदू विशेष के लिए नहीं बटा। यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अति हिंदुत्ववाद की बात कर दी जाती है, क्या वाकई अति हिंदुत्ववाद है कहीं है? और राष्ट्रवाद बात जो की जाती है उसकी मंशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो जायज तो है ना, राष्ट्रवाद की बात करना जायज तो है। और जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, अति हिंदुत्व की बात होती है तो फिर इतनी सारी टिप्पणियां आती हैं, इतने सारे लोग करते हैं और आखिर में बलि एक शख्स चढ़ता है, कौन चढ़ता है? कमलेश तिवारी चढ़ जाता है। कुलदीप जी, मैं बताऊं, मोहन भागवत जी के इस बात से भी मैं सहमत हूं कि हिंदुत्ववाद होना चाहिए, क्रिया की प्रतिक्रिया है। आज हिंदुओं की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि पार्टीशन से लेके आज तक पाकिस्तान में आप देखिए क्या हाल हुआ है। दरअसल क्या है कुलदीप जी, ये लोग हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, इंसान के चश्मे से देखते हैं, जब हर चीज में हिंदू और मुसलमान है तो कांग्रेस सुनना नहीं चाहती, संघ के लोग हैं यहाँ पर, नहीं को बचाना लोग हैं,
ये अंग्रेजों के मानस पुत्र है, इन्होंने डिवाइडेड रूल का सिद्धांत अपनाया है, विभाजन की जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये लोग भारत को करना चाहते हैं, राष्ट्रवादी परिभाषा में सत्ता पाना चाहते हैं, ये सत्ता में आरूढ़ रहना चाहते हैं, ये साम्राज्यवाद की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, ये मजलूमों की आवाज को आगे उठाने से नहीं चाहते। राष्ट्रवाद पर नरम पड़ती है, देश के अंदर देश को संघवाद पर नरम पड़ता है, संघ के लोग इस देश को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा प्लीज प्लीज धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, समझ अमलेंद्र उपाध्याय जी, अगर राष्ट्रवाद पर नरम पड़ती है, संघ अगर नरम पड़ता है, मैं आपसे एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, हमारे किसी भी देश नेता ने हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के भारतीयों की बात करी है, उन्होंने कभी 15 करोड़ 20 करोड़ या 100 करोड़ की बात नहीं करी है। हम हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति को हिंदुस्तानी मानते हैं और उसके हित के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने कहीं भी इनको माइनस करके नहीं चलाया, ये सिर्फ क्योंकि ये चीज इनको बुरी लग रही है। अरे इनको ये चीज बुरी लग रही है, सड़कों पे खड़े हुए हैं, अरे तुमने धरना दिया है, अहंकार में आप बात कर रहे हो, अरे आप ये धरना दिया है, आप लोग देश को विभाजित करने की है, आप देश को तोड़ना चाहते हो, आप लोग तोड़ने नहीं देंगे, आप लोग तोड़ने वाले हो, और देखो तुम लोगों के मंसूबे ये देश के लोग भाग नहीं होने देंगे, कभी राष्ट्रवाद हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर का देखा, हिटलर का देखा, आपको ये देख करके हैरान कर पा रहे जी। अच्छा प्लीज, देश एक था, एक रहेगा, तुम भागे, तुम क्या कर रहे थे? जवाब देता हूँ, देश को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवाद के लिए 370 हटाया है और जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर विलय कर लिया, ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है। आप अगर पहले से जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा था तो आज पाकिस्तान परेशान हो रहा है, अरे पाकिस्तान बात का जवाब दो, मैं कह रहा हूँ क्यों परेशान हो रहे हैं ये लोग, अरे मैं कह रहा हूँ इस्लामिक कंट्री क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है इनको, तुर्की क्यों परेशान हो रहा है, पाकिस्तान क्यों बेचैन है। सवाल सिर्फ इतना, धारा 370 हटाकर क्या राष्ट्रवाद है ये? नहीं, मैं ये सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता, राष्ट्रवाद है या नहीं? अगर फुली इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है तो वो राष्ट्रवाद है नहीं? ऐसा है पठानिया जी, 1947 से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पहली बात तो ये, दूसरी बात इन्होंने उसका फिजिकल चेंज कर दिया, मेरे मकान के मकान का, सुनिए आपने दो संविधान के, आपने दो संविधान के, आप राष्ट्रवाद है या नहीं? अरे आप पाकिस्तान पे हमला करो, अरे हम तो नहीं होते तो पाकिस्तान को आवरण दे, जो कर वो करेंगे, आप हम की बात कर रहे हो, तुम तो चोरी बंद बैठे हो, आप पाकिस्तान से नशीन कर दो, ध्यान राष्ट्रवाद है या नहीं? तुमने देश को कमजोर किया हमेशा, देश को कमजोर किया 6 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर देश का बदला नहीं लिया, 1947 से कश्मीर है, लॉजिकल बहस, लॉजिकल
आप क्या समझते हो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है? अरे भैया एक झंडा, एक झंडा जी, आप मुझे विकल्प मत दीजिए, मैं मेरी बात सुनिए पहले। अगर 1947 धारा 370 हटाना सही था गलत था? ये तो भविष्य में तय होगा कि सही है या गलत है। आपका क्या स्टैंड है? आपका 370 गलत हुई। ठीक है गोयल साहब, गोयल साहब, अमलेंदु जी मेरे को ये बताइए कि अब जो भी है वो यू टर्न है या वो कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है, किसी और संदर्भ में उन्होंने कहा है, जिस भी संदर्भ में कहा है, राष्ट्रवाद से परहेज करने की बात कह दी है उन्होंने, यानी कि अब राष्ट्रवाद आगे आने वाले प्रचारों में गायब नजर आएगा? नहीं, देखिए राष्ट्रवाद को उन्होंने गायब करने की बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद जो है उसको दूसरी जगहों पर जो है वो समझा जाता है कि हिटलर का है, चूंकि वो राष्ट्रवाद जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो राष्ट्रवाद का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उससे राष्ट्रवाद की खराब इमेज बन रही है। लेकिन जबकि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्र का ही उदय जो है वो जो 17वीं शताब्दी के जो ईसाइयों के धर्मयुद्ध थे आपस के, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के, उनके संघर्ष के बाद निकल के आया था और उससे वो राष्ट्रवाद बना। और हिटलर के राष्ट्रवाद का जवाब भी जो था वो रूस के राष्ट्रवाद से ही मिला था। तो राष्ट्रवाद अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रवाद किसका किस संदर्भ में है ये सोचने की बात है। मैंने जैसे पहले कहा कि एक भारतीय राष्ट्रवाद भी है जो आजादी के आंदोलन के दौरान क्या निकल करके आया, जिसको जिसको जिन्ना ने नहीं माना, जिसको जिन्ना ने भी नहीं माना, जिसको आरएसएस ने भी नहीं माना, जिसको हिंदू महासभा ने भी नहीं माना। मंचों से हिंदू जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं मंचों से, तो हम एड्रेस किसे करते हैं? भारतीय जनता को करते हैं, भारत की जनता को करते हैं, इसी को एक राष्ट्र बनाकर एक राष्ट्र में पिरोना चाहते हैं ना। देखिए ये हम एड्रेस कर रहे हैं, इंग्लैंड को एड्रेस करेंगे, अमेरिका को एड्रेस करेंगे। देखिए यही समस्या है, मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि जब आप एक तो आरएसएस जो है वो सांस्कृतिक संगठन खुद को कहता है और वो है राजनीतिक संगठन, चूंकि वो राजनीति करता नहीं है, लेकिन वो सारे विचार जो उसके राजनीति के ही होते हैं, है ना। तो पहले तो इसको ही समझ लिए। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, कि आप जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आप सिर्फ राष्ट्रवाद के अंदर, जैसे अभी हमारे दीपक जी ने कहा कि हम 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानते हैं, 130 करोड़ लोग हिंदू नहीं है, जाहिर सी बात है मैं हिंदू हूँ, बारिश पठान हिंदू नहीं है। और अगर आप केवल 130 करोड़ को हिंदू मानते हो, 130 करोड़ को मत मानिए, फिर आप उसमें पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी मानिए जो अखंड भारत था। भाई जब अखंड भारत की बात करते हैं तो आप नहीं, वो भी हिंदू है, कहीं फिर वो भी हिंदू है, और वो हम अपने अखंड भारत की बात करते हैं, हम हिंदू गौरव की बात करते हैं, हमारे लिए जब परम वैभव के हिंदुस्तान जब हिंदू गौरव की बात करते हैं तो आप किस हिंदू के गौरव की बात करते हैं? यही सवाल है। जब परम वैभव की बात करते हैं तो हम जानते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबक के तो ना हूं, सारी देखिए सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाले लोग अखंड भारत की अवधारणा है। दीपक जी, राष्ट्रवाद पर आपकी जो सियासी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सियासत पर आपने ब्रेक तो लगा दिया ना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ये खुल्लम खुल्ला कहते मानवता की सेवा के लिए काम करना राष्ट्रवाद है, तो फिर जब मानवता की सेवा के लिए काम करना राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद से यू टर्न क्यों लेना? देखिए राष्ट्रवाद की बात तो ये है, राष्ट्रवाद की चिंगारी बढ़ाकर ज्वाला आपने बनाया, अगर उसमें पानी डालने का काम क्यों करना? देश के अंदर इस देश का हिंदू जो है, इस देश का जो ये हिंदू है, ये पुरुषोत्तम श्री राम का मानस पुत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी को साथ लेकर के चलने वाले और समृद्धि की राह चलने वाले। और तब तो आप कैसे क्यों नहीं खुल के, हिटलर का राष्ट्रवाद अलग था, हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद अलग है, बिल्कुल ये हमारी सभ्यता से जुड़ता है, हमारी जड़ों से जुड़ता है। समझिए ये देश का, ये जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं इनको अपनाना चाहिए और इनको नकारना चाहिए देश काल परिस्थिति के अनुसार। आप मानते हैं आज भागवत साहब ने आज कहा है? मैं आपको बताऊं कि 1947 से पहले का भारत, 1947 से पहले का भारत संदर्भ में नहीं कहा, नहीं समझा पाए। कुलदीप जी ठीक कह रहे हैं, 1947 से पहले का भारत
इस देश के सरकारी संस्थानों को बेचना राष्ट्रवाद नहीं है। अरे इस देश के अंदर 3 करोड़ अरे क्या सेना के सिर कटवा करके पाकिस्तानी सेना के सिर के काट के ले जाए वो राष्ट्रवाद है? वो राष्ट्रवाद है? वो कश्मीर में अलगाववादियों को कश्मीर के हिंदू देश छोड़ने मजबूर हो गया छोड़ने मजबूर हो गया वो राष्ट्रवाद है क्या? वो राष्ट्रवाद है क्या? वो राष्ट्रवाद है क्या? वो राष्ट्रवाद है क्या? आप ये बताओ सेना का सिर काट दीजिए वो राष्ट्रवाद है? आपको आप मुझे मुझे जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोग आ जाए वो राष्ट्रवाद है क्या? जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से बाकी उसको राष्ट्रवाद कहते हैं क्या? ये उसको राष्ट्रवाद कहते हैं क्या? सर आप बताओ ना आपका राष्ट्रवाद क्या? आप रोजगार दो, आपका राष्ट्रवाद क्या? आपका राष्ट्रवाद, आपका राष्ट्रवाद ये है सर? आपका राष्ट्रवाद है जम्मू कश्मीर में भाग जाए? आपका राष्ट्रवाद है सेनाओं के सिर कट जाए? आपका राष्ट्रवाद, आपका राष्ट्रवाद ये है कि सेना का मनोबल गिरे? आपका राष्ट्रवाद ये है कि सेनाओं पर पत्थर मारने वाले सेनाओं पर पत्थर मारने वालों को कुछ ना कहा जाए? आपका राष्ट्रवाद है गैंग को करने वालों का समर्थन किया जाए उसको राष्ट्रवाद कहते हैं? आप जेएनयू में टिकट करने गैंग को करने वालों का राष्ट्रवाद कहते हैं? आपका राष्ट्रवाद क्या है? आपका राष्ट्रवाद हुआ जी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाना, ये राष्ट्रवाद नहीं है? नहीं ये मैं है कि नहीं है? दुनिया की हर चीज राष्ट्रवाद है, दुनिया की हर चीज राष्ट्रवाद है। आप सेना का सिर काट देंगे वो भी राष्ट्रवाद है? आप सेना का सिर काट देंगे वो भी राष्ट्रवाद है? कश्मीर से हिंदू कटता है, कश्मीर से हिंदू छोड़ता है वो भी राष्ट्रवाद है? अरे वो भी राष्ट्रवाद आपने जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में हिंदू भागे आपने आपने भगाए आपने आपके टाइम में आपने समर्थन आप करते हो, आप करते हो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन आप करते हो, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हो आपने सर आपने तुमने और जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग की शरण कर रहा है? अरे आप झूठ बोल रहे हैं, टुकड़े गैंग का किसने करा? आपने सर आपने सेना का सिर कट रहा है, सेना का सिर कटता है, आप बदला नहीं लेते हो, आप बूढ़ी पन के बदला आपने कमजोर करा। अच्छा ठीक है ठीक है, रमेश मोहन श्रीवास्तव साहब मेरे को ये बताइए कि दरअसल पाकिस्तान को तोड़ना राष्ट्रवाद था नहीं था ये बताइए आप? अरे 370 हटाना राष्ट्रवाद है नहीं है आप बताइए? आप 370 हटाना राष्ट्रवाद नहीं था? अरे हमने परमाणु बम बनाया राष्ट्रवाद नहीं था? अरे हमने देश के लोगों से नहीं था परमाणु बम, हमने फोड़ा तुमसे नहीं फोड़ा? तुम तो बैठ के बैठ गए, तुम तो अमेरिका से हट गए, घर में बैठ गए, पूछ रहे हो तुम अमेरिका से बैठ गए घर में बैठ गए राष्ट्रवाद है या नहीं? रमेश मोहन साहब रमेश मोहन साहब मुझे ये बताइए, आप तो डर के घर में बैठ गए। रमेश जी ये बताइए कि दरअसल अब बिल्कुल आप आप झंडा फहराने में भी परहेज करते थे वहां तो राष्ट्रवाद था? ये आप कह रहे हैं आप झंडा फहरा रहे आप करते थे झंडा फहराया लाल चौक पर? कोई भारतीय जनता पार्टी फहराया कांग्रेस नहीं फहराया लाल चौक पर? तुमने फहराया देश को मजबूत अरे हमने फहराया लाल चौक हमारे बनाए हुए लाल चौक पर हमने फहराया राष्ट्र नहीं फहराया लाल चौक पर झंडा राष्ट्रवाद तो आप ठीक सही मायनों आपसे बड़ा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद कोई नहीं हो सकता। रमेश जी ये भी एक भारद्वाज जी ये भी एक आइडियोलॉजी है ना कि हिंदू हिंदू महिला अगर पहले घूंघट करती थी वो कुप्रथा है और बुरके पर कोई अगर सवाल खड़ा कर दे भारतीय जनता पार्टी का या कोई और पार्टी का तो उसमें आपको बहुत सी सियासत नजर आती है। ये भी एक बात चलिए ठीक है बात को छोड़ दे, ये एक एजेंडा हो सकता है किसी पार्टी का, आपका छोड़ दे छोड़ दे। रमेश मोहन जी और रमेश मोहन जी सर रमेश मोहन जी ये बताइए कि अब जो सेटबैक लगा है भारतीय जनता पार्टी को एक मिनट रमेश मोहन जी अब जो सेटबैक लगा है उसका भारतीय जनता पार्टी का उसके जो गठबंधन है उनका शरीर तो बहुत बड़ा हो गया, 352 सीटें उन्हें मिली लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से उनकी आत्मा निकलती जा रही है मतलब सभी स्टेट से उनकी सरकारें जाती जा रही हैं, सवाल मेरा यह है। और उसके बाद अब सीए को लेकर जो तमाम विरोध हो रहे हैं, ना सिर्फ विरोध यहां हो रहे हैं, यूएस सेक्रेटरी दरअसल पहुंचे थे पाकिस्तान में, वहां पर भी कुछ बात सामने आई जिन्होंने जिक्र किया है कि सीए को लेकर मुस्लिम स्टेटलेस हो सकता है। अब लगातार ये जो विरोध बढ़ रहा है
इस पर लगता है कि अब इसी वजह से अब कोई नई स्ट्रेटेजी पर काम किया जाएगा, यही मकसद है? याद कीजिए कि जब भाजपा की दो सीटें रह गई थी तो पालनपुर में एक अधिवेशन हुआ था, भाजपा के इतिहास में वो आज तक एक ऐतिहासिक अधिवेशन था उसमें जी। उसके बाद भाजपा की दशा, दिशा, चाल, चरित्र, चेहरा सब बदलता चला गया और भाजपा बड़ी तेजी से उठती चली गई। आज जब एक के बाद एक सेटबैक लगते गए हैं और इनकी आइडियोलॉजी अब काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है, तो अब एक नए रास्ते की जरूरत महसूस हो रही है। और याद कीजिए कि अभी जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उसकी विश्व के कई देशों में आलोचना भी हुई है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए बहुत खुल करके तो आलोचना नहीं हो पा रही है, लेकिन आलोचना के स्वर सुनाई देने शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, किसी को भी रहना चाहिए। अभी तक उनकी छवि बिल्कुल एकदम बेदाग थी, लेकिन अब उनकी छवि पर छींटे आने शुरू हो गए हैं। तो अब शीर्ष नेतृत्व में, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी और संघ के शीर्ष नेतृत्व में भी कुछ विचारों में परिवर्तन आना दिख गया है। याद कीजिए दिल्ली चुनाव के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह जी, जो अपने आप को संघ का स्वयंसेवक भी कहते हैं और वो है भी, उन्होंने कहा था ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और हमें कुछ अतिरेकी बयान नहीं देने चाहिए थे। तो इससे हुआ है कि अब हमें कुछ धारा बदलने की आवश्यकता है। पर सीए और संघ तो, प्रमुख के सीए पर तो किसी भी तरीके से नहीं, उससे फुट लेना ऐसे तो कोई इंडिकेशन नजर नहीं। देखिए उस कोई भी सरकार जब कोई कानून पास करती है तो उससे पीछे हटने का इतिहास आज तक मुझे भारतीय संसद में नहीं दिखाई दिया। और ये सरकार की मजबूरी है क्योंकि उनका एजेंडा तो था ही, वही सरकार की मजबूरी है। फिर मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है, मजबूरी ये है, मजबूरी ये है कि एक वो अमरनाथ जी एक वो कानून पास कर चुके हैं और अब वो कोर्ट में जा चुका है। अगर वो उसको संसद में रिपील करते हैं तो जो उन्होंने इतना बड़ा एजेंडा फैला दिया और अपने लोगों को हिंदुवाद, राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, अब वो लॉस ऑफ फेस होगा, उसको वो पीछे कैसे हटे? तब देखिए एक एक कदम पीछे हटाएंगे। राष्ट्रवाद मत बोलो, हिंदुत्व बोलो, कंसोलिडेशन करना है। अब वक्त आ गया है कि जिस शब्दों के जरिए या जिन बातों के जरिए सियासत की गई जिसका फायदा अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा, लेकिन अब लंबे अरसे से उसका फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार चाहे तो इसको हटा सकती है तुरंत, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के इतिहास और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में थोड़ा फर्क है। कांग्रेस अगेंस्ट कोई अगर करता था तो उनकी गोलियां चल जाती थी तुरंत और वो हटा देते थे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इस तरह का अभी तक तो नहीं रहा किसी भी स्टेट में और सरकार के अंदर, तो इसलिए वो सोचना पड़ रहा है कि इसको कैसे हम मैनेज करें। और रही गृह मंत्री और सरकार, जब इतने बड़े बड़े फैसले ले सकती है और राष्ट्रवाद के लिए फैसले ले सकती है, जैसे अभी कह रहे थे भारद्वाज जी, भाई हमने तो अभी छींटे से डर रहे हैं, लेकिन अटल जी ने तो परमाणु विस्फोट कर दिया था और हमने हमने झेले हैं, बैन झेले हैं, अमेरिका के बैनों को झेला है और फिर जिंदा है राष्ट्रवाद पर। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वापस लिया जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, क्या आप ये कह रहे हैं? मैंने नहीं कहा कानून भाजपा ले सकती है, और मैं कहता हूँ ना कानून वापस लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हर देश के अपने एक नियम होते हैं। चाइना का अपने एक नियम है, वो तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कुरान की दोबारा से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, अगर इसमें ऐसा कुछ लगा तो इसको हम चेंज कराएंगे। वहां कोई बोलने वाला नहीं है, क्यों? उनका अपना राष्ट्रवाद है, वहां पर दूसरा कोई दखल नहीं दे सकता, उनकी अपनी सरकार का नियम है। यहां पर एक सीए के लिए जो अपने देश के हित के लिए जो बाहर से घुसते हैं कुलदीप जी, उन लोगों को रोकने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता तो उसमें बवंडर खड़ा करना ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है। अगर इसमें कोई उंगली उठाता है तो मैं इसका विरोध करता हूँ, ये प्योरली देश के लिए। कल को पाकिस्तान में गृह युद्ध हो जाता है, सुनिए एक मिनट बोल सुनो, अगर पाकिस्तान में कल को गृह युद्ध हो जाता और आतंकवादी वहां लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और वहां से करोड़ों की तादाद में अगर मुसलमान यहां घुसना शुरू कर देता है, ये उस कानून को रोकेगा वहां पर इस देश के अंदर। अगर बांग्लादेश में ऐसा हो गया तो क्या होगा? इसलिए ऐसा हुआ इस देश के अंदर, सुनिए, इसलिए ये कानून भविष्य के लिए और देश के लिए, देश की एकता के लिए बहुत अच्छा कानून है और इसको समझने की जरूरत है। एयरफोर्स के पायलट ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, क्योंकि आज बम के गोले पे पाकिस्तान बैठा हुआ है और नागरिकता देना राष्ट्रवाद है। क्या करोगे आप? अरे हरीश जी, एक बात बताएं,
मुसलमान पाकिस्तान का रहने वाला भैया मेरी नागरिकता देनी राष्ट्रवाद है। मुझे कैसे पता चला कि केवल हिंदुओं को मारा? हिंदुओं को मारा? इस सवाल का जवाब दीजिए हरीश बाबू, कल हिंदुओं को मारा कैसे पता चला? आप तो कह रहे हैं पूरा देश हिंदू है, मुझे बताइए हिंदुओं को मारा? और मान गए पूरा देश हिंदू है, बिल्कुल ये कह रहे हैं ना। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, हिंदुओं को उसने मारा, हमारे पेड़ को आपने नागरिकता दी, राष्ट्रवाद था, बताइए। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, एक सवाल में आप मुझे ये बताओ, मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के संसाधनों का सबसे पहले अधिकार, सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का है, आप कौन से हिसाब से कहते हो? आप सबसे आपका मनमोहन सिंह, आप जवाब दो, आपके मनमोहन सिंह कहते हैं सबसे पहले अधिकार हमारे संसाधनों का, सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का। वो कैसे कह दिया आप? मुझे इस बात का जवाब दे। दूसरा ये है, आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो, आप मुझे हिंदुओं को आप जवाब तो दो ना, बताइए ना, आप तो जवाब दो। नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, नागरिकता लेने की बात कर रहे हैं, हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, अरे हम तो नागरिकता, अच्छा ठीक है, अमलेंदू जी, अमलेंदू जी, हम तो नागरिकता, अच्छा ठीक है, ठीक है, अमलेंदू जी, अरे हम तो नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, आ गई आपकी बात। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश आएगा वो सबको मानना होगा, सरकार को भी मानना होगा, और उसके फिर संसद ही उसका कोई रास्ता निकालेगी। ऐसा तो कुछ भी सरकार को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को स्वायत्त संस्था है, लोकसभा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी चेंज करती रही है, चेंज करती रही है, लेकिन कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, इसमें है, और अगर आपको कोई सीए से कोई दोरा बता दो ना, क्या दिक्कत है, समझ लीजिए, लावाजी बता दे सीए से क्या देश को नुकसान होने वाला है, वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ी बात नहीं है, किसी भी संविधान संशोधन बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त पूरा हो गया, वक्त पूरा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राष्ट्रवाद को लेकर झारखंड के रांची से मोहन भागवत साहब ने आज जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि आप नेशनल का जिक्र कर सकते हैं, नेशनैलिटी का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन नेशनलिज्म का जिक्र आप नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए, इसे गलत तरीके से देखा जाता है। अब इसे गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन आपकी आत्मा तो इसमें बसती है। राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए, अगर आप राष्ट्रवाद को छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास सियासत के लिए सबसे बड़ा प्रहार क्या होगा, यह समझना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या अति हिंदुत्व या फिर हिंदुत्व पे लौटेगी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद कहीं साइड में रह जाएगा, ये देखना आने वाले वक्त में दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद। नेशनलिज्म बीजेपी की डीएनए है, बीजेपी की पहचान है। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है, राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है।